बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव में दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। बड़ी खबर यह है कि आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। इस साल हरियाणा में और अगले ही साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, जो अलायंस है, वो नहीं होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव दोनों ने साथ मिलकर लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। मीटिंग की है, क्या क्या तैयारी है? पहला पूरा फोकस हरियाणा पे होगा या हरियाणा और दिल्ली में साथ साथ काम? देखिए, दोनों राज्यों में चूंकि चुनाव है, पहले हरियाणा का है, तो हरियाणा के लिए टीम अपना काम कर रही है और दिल्ली की टीम अपना काम कर रही है। क्योंकि सर, लोकसभा चुनाव आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा, इसलिए लोगों के मन में सवाल है कि हरियाणा या दिल्ली, दोनों जगह आप कांग्रेस के साथ जाएंगे या अलग से चुनाव लड़ेंगे जैसे लड़ते हैं? मेरे ख्याल से तो ये स्थितियाँ काफ़ी स्पष्ट हैं कि जो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसमें हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। देश की जो भी चुनौतियाँ हैं उस पर, इन राज्यों के अंदर जो है पार्टियाँ दोनों अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। कोई दरवाजा सा खुला रहेगा सर कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाके चुनाव लड़ा जा सकता है अंत में? नहीं, दोनों पार्टियां अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं, इस पर पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। सुशील गुप्ता का दावा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रदेश के कार्यकारिणी में तय किया है, हम हर बूथ को मजबूत करेंगे, हर विधानसभा को मजबूत करेंगे और पूरी तैयारी हर विधानसभा की हम करेंगे। ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है, परंतु हरियाणा प्रदेश की पूरी तरह सक्षम है हर विधानसभा पे चुनाव लड़ने के लिए और अपनी पूरी तैयारी। हरियाणा इकाई चाहती है कि अकेले चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी? हरियाणा इकाई 90 के 90 विधानसभा पे पूरी तैयारी करेगी, हर बूथ पे पूरी तैयारी करेगी, बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का। तो देखिए, हरियाणा में इस साल और दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन दोनों ही चुनावों में, वो अगले साल के दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या इस साल के विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। इसी पर आशीष कुमार सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए सीधे उन्हीं का रुख करें। आशीष, ये भूमिका तो पहले से ही बनाई जा रही थी, लोकसभा के चुनाव के वक्त में भी ये कहा गया कि ये तो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही गठबंधन है, उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या होगा। लेकिन अब तस्वीर हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये कि गठबंधन कांग्रेस का नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। देखिए दीपा, दोनों ही पार्टी में ऐसे फैक्शंस थे जो चाहते थे कि असेंबली इलेक्शंस के दौरान भी गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन ये पॉलिटिकल लिहाज से बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया अलायंस के दो की पार्टनर्स कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अब ये तय हो गया है कि दोनों विधानसभा चुनाव, जो खबर आप बता रही हैं, जिस पर स्पष्ट तौर पर गोपाल राय ने दीपक से अब तो क्लियर ही कर दिया है कि अलायंस नहीं होने वाला है। सबकी बड़ी पैनी नज़र थी इस पर कि अलायंस होगा, और देखिए अलायंस नहीं होने के पीछे जो रीजंस हैं, जो मुझे टॉप सोर्सेज बताते हैं कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि उन्होंने भी अभी ये स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का अलायंस नहीं होगा, क्योंकि वोट्स, आप देखिए जो वोट शेयर है आम आदमी पार्टी का, वो कांग्रेस का ही है, तो उसको रीगेन करने की कोशिश होगी, और जो नतीजा इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव में दिल्ली में अलायंस करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं मिला, उसको देखते हुए अब ये तय किया गया है दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि दोनों अब मिल करके विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हम कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस में कम से कम विधानसभा चुनाव में ये एक फूट, ये एक ब्रेक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में तो जो एकता लोकसभा चुनाव के वक्त में दिखाई दी थी, वो कम से कम नहीं दिखाई देगी, जो खबरें सामने आ रही है, जो गोपाल राय ने भी कहा है।